হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মিলেনিয়াম এডুকেশন। কেমন আছেন বন্ধুরা? আর কেসে হ্যাঁ আপ সব? উমিদ করতা হুম কি সবই আচ্ছে হোগে। আজকা ইয়ে ভিডিও স্পেশালি উন লোগো কে লিয়ে হ্যা জো কনফিউজড হ্যাঁ কি কিস তরিকে সে হাম টেট কি তৈয়ারি করে। তো হামারা ইয়ে মিলেনিয়াম এডুকেশন চ্যানেল জো আপকে সাথ হামেশা জুড়া হুয়া হ্যায় আর আপকো হামেশা মদদ করতা আয়া হ্যায়। क्लर्कशिप, ICDS और अदर्स एग्ज़ाम में भी जिस तरीके से हमने मदद किया, तो आज भी हम लोग आपके साथ जुड़े हैं इसके लिए। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। सो चलिए हम बात करते हैं कि हमारे टेट से रिलेटेड किस तरीके से तैयारी की जाए। तो आज का ये वीडियो मेनली उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए है जो हमारा फोर्टे है। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि उर्दू वालों को किस तरीके से तैयारी करनी है। तो ये एक सिलेबस है, आउटलाइन सिलेबस है जो आप देख सकते हो कि चाइल्ड पैडागोजी से लेकर के सारे पोर्शंस को अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे सिलेबस में चाइल्ड पैडागोजी 30 मार्क्स का है, उसके साथ में आपको जो है 30 मार्क्स का आपका फर्स्ट लैंग्वेज यानी उर्दू, इंग्लिश, उर्दू या फिर बंगाली अदर एक्सेट्रा, इंग्लिश भी 30 मार्क्स का है और EVS 30 मार्क्स का है, और उसके साथ में लास्ट आपको मैथ 30 मार्क्स का करना है। तो यहाँ पर चूँकि ये सेक्शंस जो आप देख रहे हो 30 मार्क्स के, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग तरीके से हैं। जैसे कि आप देख रहे हो चाइल्ड पेडागोजी का 30 मार्क्स है यहाँ पर, और इसमें जो पोर्शंस है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको भी हम लोग दिखाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं हम। यहाँ पर देखो दो पार्ट में डिवाइडेड है, चाइल्ड पेडागोजी भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड दिस पार्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग एंड उसके साथ में पेडागोजिकल कंसर्न्स। इन पार्ट्स को आप जब आपने बीएड किया होगा, डीएलएड किया होगा, तो उसमें आपको ये पढ़ाया जाता है, जहाँ से आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो चूँकि ये टीचर ट्रेनिंग का पार्ट है, तो इसको आपको करने के लिए आपको जो आपका कोर्स है उसमें ही आपको इसको कंप्लीट करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि किस तरीके से जो बाकी सेक्शंस हैं उसको आप कंप्लीट करोगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए उर्दू को देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न है कि उनको उर्दू के मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं, कहाँ से उर्दू की तैयारी करनी है। तो पहले तो आप देख लो कि उर्दू का कंटेंट क्या है। पहली बात तो 24 नंबर आपको इस कंटेंट से मिलेगा, जिसमें अनसीन पैसेज, ठीक है, अनसीन पोइट्री, उसके साथ में आपको मुख्तलिफ शोरा, मुसन्निफैन, अदबी खिदमात, साना निगारी, इसनाफ व अदब, यानी आपको वो सारी चीज़ें जो उर्दू से रिलेटेड है उसको कंप्लीट करना है। कम्प्रीहेंसन, तफहीम भी आपके पार्ट में है, साथ में हुरूफ तहजी, मुखारिज, आराब, मुरक्कब अल्फाज, साबके, लाहके, यानी आपको ग्रामर्स को भी कंप्लीट करना है। उर्दू जबान की मवादियात, इल्म हिज्जा, इल्म शरफ, इल्म नौ, इसको भी कंप्लीट करना है। और साथ में 6 नंबर का आपको तरीकाए तदरीस यानी मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन दिया जाएगा। अगर हम लोग समझें तो यहाँ पर मार्क्स जो है ज़्यादा आपको मिल रहा है देखने को फ्रॉम दिस सेक्शन, दैट इज 24 मार्क्स का आपको ऊपर वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस पोर्शन को अगर आप करते हो तो आसानी से आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। बाकी के जो तरीकाए तदरीस है उस पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारा 6 मार्क्स डिपेंडेंट है। इसको भी कंप्लीट करने के लिए इसमें उर्दू जबान के इब्तदा और इर्तका के मुख्तलिफ सूरतें, उनसे रिलेटेड कुछ बात है जिसे आपको कंप्लीट करना है। और ये बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये समझ लीजिए उर्दू मेथडोलॉजी का पार्ट है, और इसे कंप्लीट करना ये एक बहुत बड़ा सेक्शन है, इसे कंप्लीट करना आपके लिए मुश्किल होगा इन एक मंथ में तैयारी को कंप्लीट करने के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऊपर के 24 मार्क्स के पीछे जाएं और उसे कंप्लीट करें। इस वीडियो में हम लोग ये भी बताएंगे कि किस सोर्स से आप अपने इस पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हो या उर्दू को कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं आपको बताता चलूं कि उर्दू के बहुत कम ही सोर्सेस अवेलेबल होते हैं, और उर्दू की तैयारी चूँकि ये प्राइमरी टेट यानी क्लास
1 to 5 का या 1 to 4 के अंदर का जो प्राइमरी टेट का एग्जाम हो रहा है, चूंकि ये एग्जाम बेसिक बच्चों को पढ़ाने के लिए है, तो पहली सजेशन कि तैयारी कैसे करें, तो मेरा पहला सजेशन ये होगा कि आप क्लास 1 to 4 और 5 to 8 के जो बुक्स हैं, उर्दू के जो बुक्स हैं, अगर आप वो इकट्ठा कर पा रहे हो तो उसको जरूर पढ़ो। वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ कॉमन मिलेगा। अगर आपके पास ये रिसोर्स नहीं हो पाता तो आपको जाना पड़ेगा कि जो मार्केट में जो बुक्स गाइड्स अवेलेबल हैं, तो वेस्ट बंगाल में अभी आफान पब्लिकेशन के थ्रू बुक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आफान पब्लिकेशन ने वेस्ट बंगाल टेट के लिए, प्राइमरी टेट के लिए बुक शाया किया है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। या फिर मेरे पास एक और रिकमेंडेशन है जिसके थ्रू आप उर्दू के इस हिस्से को कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये एक सीटेट का बुक है जो मैंने आपके सामने अपनी रखा है। ये सीटेट का एक बुक है जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। पहली बात, किसी भी एग्जाम की तैयारी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होती है, तो प्रीवियस ईयर ये इतना ज़्यादा होता है कि आप उसे भी कंप्लीट करो तो बहुत कुछ कॉमन आ जाता है। दूसरी बात कि चूंकि आपके पास रिसोर्सेस एक जगह नहीं है, तो आपको 1-1.5 महीना के अंदर में अगर आप इस बुक्स को, जो कि यूपी टेट, राजस्थान टेट, बिहार टेट, अलग अलग जगह के टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ के उर्दू के सेक्शंस को दिया जा रहा है, अगर आप इसे कंप्लीट करोगे तो भी आपके मैक्सिमम एरियाज कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बुक से अगर पढ़ना स्टार्ट करो तो भी आपका काम हो जाएगा। या फिर आपको मैंने 3 सजेशन दिया है, 3 सजेशंस में से एक सजेशन जो मेरे ख्याल से आपके तैयारी को बूस्ट ज़्यादा करेगा, अगर आप इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको रिसोर्सेस की कमी नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, अफान पब्लिकेशन, तो अफान पब्लिकेशन की बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो उर्दू वालों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होगा जहाँ से उनको रिसोर्स मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सिर्फ इस सेक्शन, उर्दू के सेक्शन को किस तरीके से तैयार करना है, आपको ये बात समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रहें, हम आप लोगों को रिसोर्सेस भी, अदर सब्जेक्ट्स के भी बताएंगे, एक एक पार्ट करके मैं सभी लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।